नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सहारनपुर के खेड़ा अफगान गांव के रहने वाले श्रवण कुमार का 7 साल का बेटा सौर्य सांप पकड़ने में माहिर है। कक्षा 2 में पढ़ने वाला यह बच्चा अब तक कई प्रजाति के जहरीले सांपों को पकड़ चुका है। यही नहीं, पिता पुत्र की जोड़ी घायल सांप का इलाज भी करती है। दुनिया में सांप बहुत जहरीला जंतु होता है। वहीं कई बार देखने और सुनने में आता है कि सांप के काटने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। यही वजह है कि सांप को देखने मात्र से ही व्यक्ति अंदर तक भयभीत हो जाता है। वैसे लोग सांप देखने पर उसको मार देते हैं या फिर भगा देते हैं, लेकिन यूपी के सहारनपुर में एक बच्चा ऐसा भी है जो सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ देता है। सौर्य नाम का यह बच्चा जहरीले सांप को भी जीवित अवस्था में पकड़ लेता है। करीब 7 साल का यह बच्चा सांप पकड़ने के कारनामे के कारण सुर्खियां बटोर चुका है। सौर्य पिछले 2 साल से लोगों के घर, स्कूल या फिर अस्पताल से सांप पकड़कर जंगल में छोड़ने का काम कर रहा है। कक्षा 2 में पढ़ने वाला यह बच्चा कई प्रजाति के जहरीले सांपों को पकड़ चुका है। हालांकि बच्चे की इच्छा है कि वह आगे चलकर वैज्ञानिक बने और दुनिया में सांपों के काटने से होने वाली मृत्यु के विषय में सौंध करे, ताकि सांप के काटने के कारण हो रही मृत्यु दर में कमी आ सके। सॉरी, क्या उम्र है और क्या काम करते हैं? 7 साल। क्या करते हैं आप? सांप पकड़ता हूँ। कितने टाइम से? 2 साल से। क्या बनना चाहेंगे आगे? वैज्ञानिक। तो काटते नहीं सांप? डर नहीं लगता है सांप पकड़ते हैं? सांप सरों के कटते हैं। डर तो लगता ना? मैं खेड़ा पकान का रहने वाला हूँ। लगभग 30-32 साल हो गए मुझको सांप पकड़ तो। शौक था, बस शौक में सीख लिया मैंने ऐसे काम को। तो आपका बच्चा भी है छोटा, वो भी जी इसे भी ट्रेंड कर दिया मैंने। तो क्या कारण है कि सांप पकड़ने का काम ही चुना आपने? तेज जुबानों को बचाने का कार्य है। अब सांप ने चाहे कुछ भी हो, अगर कोई चीज कुएं में गिर जा, खरगोश, बिज्जू, कुत्ता, बिल्ली, सबको रेस्क्यू करते हैं जी। यह बस कुल मिलाकर बात यह बेजुबान की जान बचानी चाहिए जी। कौन कौन से सांप पकड़ लेते हैं और काटते नहीं सांप? सांप काटते हैं, उनका उपचार है हमारे पास तुरंत का। 8-10 फेरी हमारे बाइट भी कर चुका है सांप, लेकिन कितना भी जहरीला काट लो मरते नहीं, उसका इलाज है हमारे पास तुरंत का। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।